आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में बैठक हुई। धान खरीद के लिए 2024-25 की मंडलीय समीक्षा हुई है। धान क्रय केंद्र की नियमित रूप से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। समीक्षा में मंडलायुक्त को मिली कई जानकारी। डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। समीक्षा में मंडलायुक्त को मिली कई जानकारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, समीक्षा बैठक की गई है, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्या इस बैठक के बाद कंक्लूजन निकला है और क्या इस बैठक को लेकर अपडेट? देखिए, बिल्कुल, मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लगभग मंडलीय सभी धान क्रय केंद्रों को लेकर बैठक की है। इसमें नियमित रूप से सभी धान केंद्रों पर निगरानी की जाए, उसमें सभी किसानों को सुविधा यानी कि इसे सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और तो जो भी किसान धान विक्रय करता है उसको तुरंत उसके भुगतान के लिए मुहैया कराया जाए, इसको लेकर एक बैठक की गई। आपको बता दें कि 1 अगस्त यानी 1 अक्टूबर से धान प्रारंभ खरीद प्रारंभ हो गया था। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में 11 को धान खरीद होना है। हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में धान क्रय का कार्य शुरू हो गया, उसको लेकर मंडलायुक्त ने बैठक की है। बैठक में जायजा लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो धान क्रय केंद्र है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक काटा हो, जिससे कि धान की जो नाप जोप हो सके सही से हो सके, उसका नमी मापक यंत्र होना चाहिए, उसमें उसके बाद विनोइस फैन यो ईपॉप मशीन भी वहां पर होनी चाहिए, जिससे धान की गुणवत्ता को नापा जा सके कि धान जिस तरह से आ रहा है उसमें नमी ज्यादा है या धान कितना खड़ा हुआ है, और उसकी तमाम सब चीजें हैं उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। लखनऊ मंडल के जितने भी जिला है, जिले पर जो धान खरीद के लिए जो दिशा निर्देश है सभी यानी कहिए कि कृषि केंद्र के जो जितने भी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया कि जो भी किसान आए, यानी अब तक 1572 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जो कि धान क्रय केंद्रों पर अपना धान विक्रय करेंगे, उसी को लेकर दिशा निर्देश दिया है कि लोगों को आने जाने के लिए जो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, गाड़ी की जो सुविधा है उसको प्राप्त कराई जाए, उसका जो धान अगर मान लीजिए कोई किसान धान देने की बात करता है उनका समुचित व्यवस्था नहीं है, उनको बोरी सहित तमाम सारे उपकरण उसको देने की वकायत की जाए, यही सभी निर्देश को देते हुए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।